हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई हो बहुत अच्छे होंगे। तो ये देखिए, आज हम अपना यहाँ का बाहर का गैलरी भी अच्छे से धुलाई कर दिए हैं, क्योंकि आज है शनिवार और शनिवार को ना नमक डाल के पोछा लगाना चाहिए। इससे जितना भी नेगेटिविटी होता है ना, वो सब दूर होता है। तो शनिवार को पक्का ही आप पोछा लगाएं, तो नमक डाल के ही लगाएं। और जितना ज़्यादा हो सकता है बाहर आंगन में, चाहे जो भी हो, यहाँ तो फौजी क्वार्टर, यहाँ पर आंगन उंगन नहीं है, बट आप जितना ज़्यादा हो सकता है वहाँ पर थोड़ा सा नमक घोल के पानी में और छिड़काव कर दीजिए, सही रहता है। और अब आ गई मैं नहा के। तो फ्रिज में खीरा था, मैं आज भूल गई थी निकालना, नहीं तो मैं ना नहाने से पहले निकाल के रख देती हूँ, फिर जाती हूँ। तो अभी आजकल ना खीरा ही, मतलब ना ब्रेकफास्ट में करती हूँ, क्योंकि सही रहता है ना। कहते हैं सुबह का खीरा हीरा और शाम का खीरा पीरा, तो बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो अभी बहुत अच्छा लगता है। वैसे फ्रूट कहाँ खाया जाता है, नहीं खाने का टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो आजकल ना मैं फ्रूट सुबह में ब्रेकफास्ट में ना फ्रूट ही ले लेती हूँ, जो भी वो अवेलेबल होता है वही ले लेती हूँ, पपीता या फिर कुछ भी जो भी होता है अवेलेबल। तो आजकल खीरा ज़्यादा से ज़्यादा मंगवाती हूँ मैं। और ये मैं ना नाश्ता खीरा निकाली, उसके बाद मैं दोपहर की सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ। ये देखिए, दो तरबूज ऑलरेडी आ गया है, क्योंकि ना मुझे ना अभी सीजन का सब फ्रूट है ना, ये सब बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड। और ये आज लालमी और खीरा मैं काट ली हूँ, और हम मम्मी मानसी तो सभी जन बैठ जाएंगे अभी ले खाने के लिए। थोड़ा अच्छा लगता है, मम्मी भी नाश्ता नहीं की है, क्योंकि पता नहीं, बोल रही है कि पेट भारी भारी सा लग रहा है। तो मैं बोली कि चलो थोड़ा सा यही खा लो। मानसी तो नाश्ता कर रखी है, पूरी और आलू की सब्जी बनाई थी, सूखी सब्जी, तो मानसी कर ली है। और फौजी साहब भी कर लिए, बच्चे चले गए स्कूल, लेकिन हम इधर आ गए हैं अब सब्जी काटने का। तो फ्रूट खा लिए हैं फ्रेंड और आ गए हैं सब्जी बनाने में, क्योंकि ना 12:30 बजे फौजी साहब आ जाते हैं, तो फिर टाइम टू टाइम सारा काम होता है। तो फ्रेंड मैं आ गई अब सब खाना बनाने यहाँ पे। तो आज खाना मैं बनाऊंगी दाल चावल और करेले की भुजिया बनाऊंगी, क्योंकि ना करेला का भरुआ जो होता है ना, भरुआ, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है, बट मुझे ना भुजिया बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ना सोच रही थी कि चलो करेले का मैं ये बनाती हूँ, भुजिया बनाती हूँ, और साथ में आलू गोभी की सब्ज़ी रहेगी। और थोड़ी सब्ज़ी बची पड़ी हुई है रात का, तो रात में बनाए थे भिंडी का सब्ज़ी, बहुत टेस्टी बना था, तो वो वाला है, तो काफ़ी सब्ज़ी है बचा हुआ। तो मैं सोची चलो ये दो ही आइटम बना लेती हूँ। और आज ना सच में मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, सच में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि ना मानसी अब जा रही है, अब मानसी अपने मम्मी के पास में जा रही है। तो मतलब क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, बता नहीं सकती हूँ मैं कि कितना ज़्यादा, मतलब मैं वो हूँ और कुछ नहीं बता सकते हैं। तो मानसी जब लॉकडाउन था ना, तब मानसी हम लोग के साथ में आई थी और अब जा रही है। तो क्या है कारण, नहीं है कारण, वो सब मैं बताऊंगी, क्योंकि ना मानसी पढ़ना नहीं जाती बिल्कुल, पढ़ने में बिल्कुल उसका इच्छा नहीं होता है। तो यहाँ तो लेके आते कि पढ़ेगी, बट बिल्कुल नहीं है, ट्यूशन भी चेंज कर लेती, सब कुछ, क्या पता हो सकता है। तो अभी मम्मी के पास में रख के थोड़ा सा हो जाएगा उसको भी, तो फिर देखती हूँ कैसा क्या चलता है। तो मम्मी के पास में जा रही है, लेकिन मेरा मतलब मेरा एकदम बिल्कुल घर को सुना करके जा रही है। फौजी साहब तो बहुत ज़्यादा अपसेट हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ना 4 साल से 5 साल से मानसी को, ये 5वां साल है जो मानसी को हम लोग के साथ में बिताए हुए, मतलब एकदम से ना आदत बन गया है मेरी मानसी के साथ में, मानसी ये मानसी वो, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं कभी नहीं सोची कि मेरी भतीजी है, मैं अपने बेटी ही समझती हूँ और समझूँगी, है ना। तो अभी क्या बताऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी ना मैं ये करेला की भुजिया बना रही हूँ फ्रेंड। पता है क्या है, मैं एक बात बता रही हूँ, इंसान को कभी भी ना खुद के लिए करना चाहिए, खुद के लिए जीना चाहिए, क्योंकि हम अगर दूसरे के लिए, अगर किसी के लिए करते रहते हैं ना, तो क्या ही बताओगे, कुछ ना कुछ उसमें लेकिन परंतु निकालने वाले की कमी नहीं होती है। क्योंकि जब तक आप करो तब तक बहुत अच्छा, अगर आप समय पे आपके साथ में वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो वो चीज़ ना दुनिया ताना मारने से पीछे नहीं हटता है,
और कहानी बनाने से पीछे नहीं हटता। तो मैं ना पहले बहुत ज़्यादा मतलब वो सोचती थी कि हाँ सामने वालों को कैसा लगेगा, नहीं लगेगा, मैं ऐसे कर लेती हूँ, लेकिन यार कब तक अच्छा नहीं लगता है ना, मतलब बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ ये हमारे फौज में है एक, जिनके बारे में मतलब उनसे मुझे काफ़ी सीख मिला है कि क्या ही बोलूँ। तो यही सब होता है यार, फैमिली हो या फिर फ्रेंड हो, कोई भी हो, अगर अगर आप रिस्पेक्ट दोगे तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, अदरवाइज रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। कब तक सामने वाला ही कब तक रिस्पेक्ट करते रहेगा, क्योंकि हर किसी को रिस्पेक्ट अच्छा लगता है कि हम अगर आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो आप भी मुझे रिस्पेक्ट दो, ना कि मैं ही रिस्पेक्ट दे रही हूँ और आप मुझे बदतमीजी से बात करो, तो वो चीज़ नहीं अच्छा लगता है फ्रेंड। तो हम लेडीज़ के साथ में ना बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हम लोग ना ये सोचते हैं कि ये मतलब यहाँ है ससुराल है, ये है वो है सो है, कैसे बोलूँ। लेकिन पता है क्या होता है कि कभी ना कभी अगर हम नहीं बोलने के कारण ना हमारा लोग इसका फ़ायदा उठा लेता है और लोगों को लगता है कि हम पागल है, मतलब जो हमको बोल नहीं पाते ऐसा कुछ करके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बोलने हर किसी को आता है। आजकल तो बच्चे जो होते हैं ना हमारे वही बोलते हैं और हम तो क्या ही बोलेंगे। तो बोलने सबको आता, समझता सब है, बस ये सोचता है कि कहते हैं ना कि मुंह का ताला अगर एक बार खुल गया तो वो कभी नहीं बंद होता है। तो मेरा यही सिद्धांत है, फौजी साहब मुझे यही बोलते हैं, जब मैं स्टार्टिंग में आई थी ना ससुराल तो मुझे यही बात बोले थे, कुछ ऐसा कुछ टॉपिक हुआ था तो वो बोले कि देखो ये ताला है जुबान, जो ताला होता है, ताला अगर एक बार खुल गया ना तो कभी बंद नहीं होता है। तो आप यही सोचना कि ये ताला है, चाहे जितना मर्जी आपसे हो रहा है उतना बर्दाश्त कर लो। तो मैंने ये सोचती थी कि चलो भाई, मतलब ना सामने वाला, मैं तो अपने आप को ये सोचती थी कि सामने वाला मुझे गाली भी दे के निकल जाए मैं नहीं उसका रिप्लाई करूँगी, कि मतलब मुझे भगवान इतनी सहन शक्ति दे। लेकिन यार कब तक ये चीज़ करते रहेंगे, कभी हम मतलब नए थे, अभी हमारे बच्चे हमारे बराबर में हो गए तो ये होता है ना। लेकिन कभी ना कभी जवाब देना ही अच्छा होता है, क्योंकि अगर आप जवाब नहीं देते हो ना तब ना दुनिया को लगता है कि ये बुरबक है, इसको समझ में नहीं आता है, पता नहीं क्या क्या। तो ऐसा कुछ आपके मुंह पे कहते हैं ना कि बड़े तो बड़े छोटे ही जुबान खोल के चले जाएंगे और आप रिस्पेक्ट आपकी इज्जत करते करते रह जाओगे। तो ऐसा नहीं है, कभी ना कभी जवाब भी देना ज़रूरी बनता है। तो जवाब देने से ना सामने वाला को लगता है कि हाँ मतलब इसको भी समझ में आ रहा है। अरे समझ में तो पहले भी आता था, बट क्या है ना कि इंसान इज्जत करता था, है ना, तो वो चीज़ हो जाता है। तो फिर कभी ना कभी मतलब चुप्पी का कारण ना सामने वाला, आप जिसका कदर कर रहे हो ना उसको कदर करवाने का पता ही नहीं कि कैसे कदर करवाते हैं। अगर हम अपने बच्चे के साथ में अगर आप नहीं कहेंगे तो वो भी मुझे आप नहीं कहेगा, तो आप ऐसे एक्सपेक्ट कैसे कह सकते हैं कि रिस्पेक्ट, अगर आप रिलेटिव को नहीं दे रहे हो रिस्पेक्ट तो आपको रिस्पेक्ट देंगे। तो हम बच्चे को नॉर्मली बच्चे को हम रिस्पेक्ट देते हैं ना, तभी हमारे बच्चे हमें रिस्पेक्ट देते हैं। और जो चीज़ होता है ना ये सब माँ बाप का सिखावा होता है कि हाँ हम बच्चे को सिखाते हैं कि बेटा ऐसे नहीं करना चाहिए, बच्चे ऐसे नहीं करना चाहिए, उसी का लालन पालन हमारे बच्चे का होता है। तो ये चीज़ ना माँ को हम अपने बच्चे को, मेरा बच्चा कुछ कभी कुछ बोलता है कि मम्मा आज ये बच्चा ने मुझे ये बोल दिया, मैं बोलती हूँ बेटा कोई बात नहीं, उसकी जैसी है कोई बात नहीं बेटा, उसका उसको काम आएगा, तुम्हें प्लट की रिप्लाई नहीं देना है बच्चे, जाने दो, उसका उसका काम आएगा। क्योंकि मेरा बच्चा का यही आदत है, मेरा बड़े वाला बच्चा का ना यही है, उत्सव का ना मतलब उसको सामने से बोल के भी कोई चला जाता उसको फर्क नहीं पड़ता, वो इग्नोर करके चला जाता। क्योंकि मैं ना शुरू से उसको यही सिखाऊँ कि बेटा मतलब पहले आप कंट्रोल करो, बर्दाश्त करो, पर जब ज़्यादा हो जाएगा उसके बाद मैं हूँ ना उसका रिप्लाई करने के लिए, आप कुछ नहीं बोलोगे। और पहले हम स्टार्टिंग में हम भी बहुत कंट्रोल करते हैं कि चलो देखते हैं कि ये बंदा ये बंदी कहाँ तक गिर सकती है ना। तो चीज़ आप अगर नहीं बोलोगे ना तो ये चीज़ मतलब आपको ना मतलब बोलते जाते हैं थकते नहीं है ये लोग कि हाँ मतलब क्या बोलो नहीं बोलो, आपको ना मतलब हर एक बार में ना आप इरिटेट करेंगे, ऐसा वर्ड बोलेंगे जिससे आप परेशान हो जाओगे, अपने घर में टेंशन में रहोगे। तो ये चीज़ नहीं होना है, ठीक है। जैसे अगर आपको पता है कि ये ऐसे है ना, इनसे बस आप डिस्टेंस बना लो, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं स्टार्टिंग में, आप यही देखो। और बाद में अगर आपको लगे कि फिर भी ना सुधरे तो कभी ना कभी एक दो बात जवाब इनका देना चाहिए,
ज़्यादा नहीं, बस ज़्यादा नहीं तो ऐसा जवाब दो ताकि बंदा को समझ में आ जाए। ज़्यादा बोलने से कुछ नहीं होता है, समझ में आ जाना चाहिए, इंसान है तो समझ में आना चाहिए। कहते हैं ना कि समझदार के लिए इशारा का 15, तो वही चीज़ होता है। तो आज ना पता नहीं कहाँ की बात कहाँ आ गई, कुछ मतलब जो होता है ना कि हम लोग अपना खुद का रिस्पेक्ट करते हैं तो हमें सामने वाला भी करता है। तो हमें ना खुद के लिए, हम खुद का इज्जत करेंगे ना फ्रेंड, हम खुद का इज्जत करेंगे तो हमें सामने वाला भी इज्जत करेगा। और अगर हम खुद का इज्जत नहीं करते हैं ना तो हमें सामने वाला भी इज्जत नहीं करता है। तो कभी मतलब ये नहीं सोचे कि हम तो ये सोचते हैं कि नहीं मैं खुद के लिए जीती हूँ, खुद का इज्जत करती हूँ, खुद का बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, तो फिर हमें सामने वाला भी करे, करे नहीं करे, नहीं करे कोई दिक्कत नहीं है, बट आज ना करेगा कल के डेट में करेगा ही करेगा, है ना। तो वही चीज़ होता है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा उलझन होता है हमारे लाइफ में। मतलब क्या ही बताऊँ कि मतलब कोई चीज़ का लिमिट होता है, जो लिमिट बंदा क्रॉस कर देता है, बंदी क्रॉस कर देती है, उसको लगता है कि इसको समझ में नहीं आता है। अरे यार समझ में सब आता है, बस समय का इंतज़ार रखते हैं हम। सोचते हैं कि कहते हैं ना कि कुत्ता भूखे हजार हाथी चले बजा, तो वो चीज़ हो जाती है फ्रेंड। तो हमें हमारा लाइफ यही सिखाता है कि अगर आप अपना कदर करोगे, आप अपना इज्जत करोगे तो आपका सामने वाला भी इज्जत करेगा, अगर नहीं करोगे तो कोई नहीं करता है फ्रेंड। तो अभी देखिए मैं ना बैंगन का, ये करेला का भुजिया तैयार हो गया है लगभग लगभग, और मैं चावल रख दी हूँ क्योंकि अभी 11:30 हो रहा है, दो दिन के 11:30 हो रहे हैं, तो 12:30 बजे तक फौजी साहब आ जाते हैं। तो मैं फटाफट ना इधर ये कर रही हूँ, भुजिया बना ली हूँ, बना रही हूँ, और तब तक ये आलू छील के रख लेती हूँ, क्योंकि मतलब ना फिर आएंगे तो फिर रोटी सेकेंगे, दो ही रोटी, फौजी साहब को ना बिना रोटी का चावल नहीं खाते, बेशक दो ही रोटी चाहिए, बस चाहिए चाहिए। तो इस वजह से ना मैं फटाफट, मेरा यही रूटीन होता है सुबह का काम कितना भी हो, तो अगर ज़्यादा जैसे पार्लर में अस्त व्यस्त होते हैं तभी लेट होता है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है, वैसे टाइम से बन जाता है, क्योंकि फौजी साहब का टाइम से एकदम टाइम का पंचुअल है। आएंगे, खाना खाएंगे दोपहर का, फिर थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद में अगला जो भी होता है। तो फ्रेंड देखिए आलू गोभी की सब्ज़ी बनाने गई थी बट बना नहीं क्योंकि आ गया चिकन।